हेलो दोस्तों, आप ग्रेजुएट हो या प्लस टू पास हो, आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, कुछ ऐसी प्रोफेशंस है जो हर कोई कर सकता है दुबई एंड यूएई के अंदर, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब्स है दोस्तों मोस्टली फ्रेशर्स या कम एक्सपीरियंस वालों के लिए, वो है दोस्तों ऑफिस बॉय या ऑफिस गर्ल्स। करेंटली ऑफिस बॉय एंड ऑफिस गर्ल्स का बहुत सारे वैकेंसीज है और बहुत सारे दोस्त लोग इस जॉब में अप्लाई करते हैं और जॉब भी करते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है और आप एज ए ऑफिस बॉय जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, एज ए ऑफिस असिस्टेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हो और धीरे धीरे आप अपना करियर ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये प्रोफेशन, ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दुबई एंड यूएई के अंदर ऑफिस बॉय या ऑफिस गर्ल्स जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो और मोस्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस जॉब के लिए आपको कितना पैकेजेस मिल सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियोस को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एज अ ऑफिस बॉय या एज अ ऑफिस गर्ल जॉब करना चाहते हो, तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन नहीं है, प्लस टू पास है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, लाइक आपके पास थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि ऑफिस में जो भी स्टाफ्स होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस, अकाउंट, एचआर, एडमिन, सबके साथ आपको कोलाबोरेट एंड कम्युनिकेट करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एंड कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है दोस्तों। बिल्कुल, आपको अगर थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ा सा टेक्निकल मींस आपको जेरॉक्स मशीन ऑपरेट करना, प्रिंटर ऑपरेट करना या छोटा मोटा कंप्यूटर का काम करना मालूम है, तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी आप में होना चाहिए, लाइक आपको एक ऑफिस मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिस बॉय या गर्ल्स होता है उसका ड्यूटीज मोस्टली सबसे पहले स्टार्ट होता है और उसके बाद आपको पूरा ऑफिस ऑर्गेनाइज है या नहीं वो देखना पड़ता है। उसके बाद ऑफिस छुट्टी होने के बाद, सब जाने के बाद उसको रीऑर्गेनाइज करना है, तो आपका ड्यूटी शेड्यूल थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में आप इस तरह से काम कर चुके हो या फिर आप जेरोक्स मशीन ऑपरेट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, प्रिंट आउट निकल सकते हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कुछ फाइल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ फाइल पहुंचाना होता है तो उसको डिलीवरी करने का जो स्किल वो आप में होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप फाइल को डिलीवर करने जाते हो लेकिन उस टेबल पे पर्टिकुलरली जो बंदे को आपको डिलीवर करना है वो नहीं है, तो उस टाइम पे फाइल के साथ जो नोट्स प्रोवाइड करना है कि कौन सी डिपार्टमेंट से भेजा गया, इस तरह का जो हैंडलिंग स्किल है वो आप में होना चाहिए। उसके साथ जो ऑफिस कीपिंग थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा इन्वेंटरी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में जो टी टाइम या कॉफी या ब्रेक में जो भी चीजें यूज होता है उसका क्या कितना बैलेंस है, या ऑफिस में कौन सा चीज, कौन सा मशीनरीज का क्या कंडीशंस है, क्या सी चीज की जरूरत है, कौन सी स्टॉक है, ये थोड़ा सा इन्वेंटरी स्किल भी आप में होगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये तो हो गए दोस्तों बेसिक्स कुछ क्राइटेरिया, जो कैपेबिलिटीज अगर आप में है तो आप डेफिनेटली एज अ ऑफिस बॉय या फिर ऑफिस गर्ल या फिर एज अ ऑफिस असिस्टेंट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो दुबई एंड यूएई में, जो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे एज अ फ्रेशर या फिर कम एक्सपीरियंस वालों के लिए ये प्रोफेशन चूज करके अपना करियर स्टार्ट करना। एंड इसके बाद आता है दोस्तों अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों हर एक ऑफिस में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, किसी भी फील्ड का हो, हर एक ऑफिस में ऑफिस बॉय का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस वजह से बहुत सारा वैकेंसीज भी होता है ऑफिस बॉय के लिए। तो आप एक ऐसे पोजिशन पे जाओगे जहाँ पे आप तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, तो आप में वो नॉलेज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली आपको होना है इस प्रोफेशन के लिए। इसके बाद सवाल आता है दोस्तों सैलरी कितना मिल सकता है दोस्तों। तो ये कंपनी एंड आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है, आप ग्रेजुएट हो, आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है और आपकी कंपनीज भी अच्छी रेपुटेटेड कंपनीज है, आपको 2500 से 3000 सैलरी मिल जाएंगे दुबई एंड यूएई के अंदर, और आगे चल के आपका करियर ग्रोथ भी है और आपका सैलरी इंक्रीमेंट, बाकी जो फैसिलिटीज है वो भी अकॉर्डिंग टू दैट आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों दुबई एंड यूएई के अंदर करियर स्टार्ट करने के लिए। सो इसके बाद आता है कि अप्लाई कैसे करें ऑफिस बॉय या ऑफिस असिस्टेंट जॉब के लिए, अप्लाई कैसे करें। अगर आप अपनी कंट्री से जॉब सर्च करना चाहते हो, तो अगर आप में एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा सा एक अपडेटेड सीवी बनाइए और कंपनी जो भी कंपनीज आपको पसंद है आपकी फील्ड के हिसाब से, उस हर एक कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और वहां पे जाके करियर सेक्शन में या फिर मेल आईडी पे आप अपना सीवी फॉरवर्ड कीजिए। एंड डेफिनेटली दोस्तों प्रोफेशनल वे में मेल कीजिए एंड आपका सीवी मस्ट बी इन वर्ड फॉर्मेट।
साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन पोर्टल है दुबई में, वो सारे ऑनलाइन पोर्टल में भी आप अपना आईडी क्रिएट कीजिए। एंड अगर आप विजिट वीजा भी दुबई में फिजिकली प्रेजेंट हो तो ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि इसमें आपका चांसेस और हाई हो जाता है जल्दी जॉब पाने का। क्योंकि ऑफिस में जब आप जाओगे सेम पोस्ट के लिए तो ऑफिस वाले आपको डायरेक्टली इंट्रोडक्ट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप फ्रेंडली उस एनवायरनमेंट को समझ सकते हो और ऑफिस वाले भी आपको जज कर सकते हैं कि आप कितना एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। तो अगर आप दुबई में फिजिकली प्रेजेंट हो तो आप ऑफिस टू ऑफिस विजिट कीजिए या फिर सेम वे में ऑनलाइन भी अप्लाई कीजिए। आपकी सीवी में मस्ट भी मेंशन कीजिए कि आप विजिट वीजा पे इस डेट से लेके उस डेट तक प्रेजेंट हो, तो ऐसे आप अप्लाई करोगे तो आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा अगर आप दुबई के अंदर हो। तो गाइस, जो भी दोस्त लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और अगर आप ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन बाकी जो कैपेबिलिटीज, जो क्वालिटीज होना चाहिए एज अ ऑफिस बॉय या ऑफिस असिस्टेंट में, वो आप में है, तो आप डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पे या मेल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर। सो गाइस, आज की वीडियोज में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोज में दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।